उस बच्चे की तलाश में जा रहे हैं, साथ में वो पाइप भी है उनके साथ, जिससे वो अंदर तक जाएंगे। लगभग यहाँ से 20-25 फीट अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ जाके वो तलाश होगी। और उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में एक नाले में गिरे 10 साल के दीपक को बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसका अता पता नहीं लग सका है। हालांकि एक बात और मैं जानकारी देती हूँ कि जिस तरीके से मुंगेर में घटना घटी थी और यही NDRF की टीम वहां भी रेस्क्यू करके उस बच्ची को निकाला। ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण में सेना की मदद लेने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि दीपक को बाहर निकालने के लिए सेना को बुलाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के SK पुरी में नाले में गिरे दीपक को बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम लगी हुई है। लेकिन घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी NDRF की टीम उसका कोई पता नहीं लगा सकी है। ऐसे में अब बड़ी खबर आ रही है, दीपक की खोज और उसे बाहर निकालने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। जानकारी के अनुसार इस पूरे प्रकरण में सेना की मदद मांगने को लेकर जिला प्रशासन ने संपर्क कर इसके बारे में सूचना दी है। बता दें कि घंटों से NDRF की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, लेकिन अभी तक दीपक के बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका। जिससे वो अंदर तक जाएंगे, लगभग यहाँ से 20-25 फीट अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ जाके वो तलाश